यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, साथ ही यूसी न्यूज़ और यूसी ब्राउजर में हमें फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जिंदगी में सुख और दुख आते रहते हैं, यह प्रकृति का नियम है। परंतु खुद ज्योतिष शास्त्र में यह बताया गया है कि कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जिनकी सहायता से व्यक्ति अपने दुख के समय काल को कम कर सुख की समय सीमा को बढ़ा सकता है। आपने खुद अपने आसपास देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर समय किसी न किसी परेशानी से घिरे रहते हैं। परंतु वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हर समय खुश रहते हैं और हमेशा उनके साथ अच्छा होता है। ऐसे बहुत ही आपने उन्हें कम देखा होगा कि वह कभी दुखी हो। दोस्तों, आप भी अपनी ज़िंदगी को बहुत ही मज़े और खुशी से जी सकते हैं, बस आपको यह छोटा सा काम करना है। दोस्तों, जिस उपाय के बारे में हम आपको बता रहे हैं वह आपको गुरुवार के दिन करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह उपाय भगवान विष्णु से संबंधित है और गुरुवार का संपूर्ण दिन भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। दोस्तों, यदि गुरुवार के दिन तुलसी के नीचे आप शालिग्राम रखकर निम्न मंत्र को 11 बार बोल दे तो ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परंतु इससे पहले हम आपको बता दें कि शालिग्राम आखिर है क्या। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार शालिग्राम को साक्षात विष्णु का ही अवतार माना गया है। यह भगवान विष्णु का एकमात्र ऐसा प्रतिरूप है जिसे घर में रखने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह स्वयंभू बताए गए हैं। कोई भी इन्हें अपने घर में रखकर इनकी पूजा पाठ कर सकता है। पुराणों के अनुसार त्रिदेव में से भगवान शिव और विष्णु दोनों ने ही जगत के कल्याण के लिए पार्थिव रूप धारण किया था तथा नेपाल की पवित्र नदी नर्मदा में निकलने वाले पत्थर नर्मदेश्वर या फिर हम कहें बाणलिंग साक्षात भगवान शिव के स्वरूप माने जाते हैं। और वहीं नेपाल की पवित्र गंडकी नदी के तल में पाए जाने वाले काले रंग के चिकने और अंडाकार पत्थर साक्षात भगवान विष्णु के रूप माने गए हैं, जिन्हें हम शालिग्राम के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि शालिग्राम तथा तुलसी का विवाह कराने से आपको कन्यादान के समान फल एवं पुण्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, शालिग्राम को जिस पानी में भी छुआ दिया जाए उस पानी के जल से स्नान करने मात्र से आपको संपूर्ण तीर्थ के पवित्र नदियों में नहाने के समान फल प्राप्त होगा। रोज शालिग्राम की पूजा तुलसी के साथ करने से भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की कृपा भी उस घर पर बरसती है तथा बीमारी और दरिद्रता ऐसे घर से कोसों दूर चले जाती है। दोस्तों, आपको गुरुवार के दिन अपने घर में तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम शिला को रखना है तथा एक घी का दीपक आपको तुलसी के पौधे के सामने प्रज्वलित कर देना है। अब आप अपने दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र को 11 बार बोलें। मंत्र है दोस्तों, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, इस उपाय मात्र से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी तथा आपके परिवार को हर परेशानियों से भगवान विष्णु बचाए रखेंगे। दोस्तों, यदि आप ओरिजिनल शालिग्राम अपने घर पर मंगाना चाहते हैं तो ऊपर स्क्रीन में दिए गए नंबर तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इसे अपने घर मंगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।